Wish all the hashtags, likes and tweets would find a way to get lost. Yeah, and when I pull up to the scene, I wonder what the hell is the cost. Hello everyone, this is Iqbal and welcome back to my YouTube channel. I hope you're doing absolutely fine. अभी टाइम हो रहा है 10:57। मैं जैसे कि आप सबको पता है कि मैं इस सिक्किम में लास्ट 20 डेज से हूँ और ऑफिस के काम में आया हुआ था। तो ऑफिस के काम के बीच में से मुझे एक वेडिंग अटेंड करने का मौका मिला जो कि हमारे ऑफिस के एक कलीग के भाई का है। अभी फ़िलहाल मैं उनके गांव में हूँ। उनके गांव का नाम है सदाम जो कि साउथ में है। तो मैं अभी साउथ सिक्किम में हूँ फ़िलहाल। आते आते यहाँ पर बहुत लेट हो गया तो इसीलिए मैं फ़िलहाल अपने होस्ट से, अपने कलीग से और उनकी फैमिली मेम्बर सबको मिला नहीं पाया। यहाँ के लोग जो हैं थोड़ा सा जल्दी सो जाते हैं और अर्ली उठते हैं। तो पूरा का पूरा कोशिश करूँगा कि कल मैं मॉर्निंग को मैं आप सबको इनसे मिलाऊँ और जो वेडिंग मैं अटेंड करने के लिए आया हूँ उसका छोटा सा ग्लिम्स आप लोगों को दूँ। और यहाँ आते समय ना मुझे जो फील हुआ है, जो वेदर कंडीशन है, जो रास्ते हैं, जो रोड हैं, जो ऑफ ट्रैक है, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। जो फील मैंने किया है वही चीज़ को वर्चुअली मैं चाहूँगा कि आप लोग भी उस चीज़ को फील करो। इसके अलावा इनके गांव के आसपास साउथ में बहुत ही अच्छे अच्छे जगह हैं जो मैं अभी नहीं बोलूँगा। जब हम लोग आप लोगों के साथ उस जगह में विजिट करेंगे तो उस जगह के बारे में भी आपको पता चलेगा कि इतना अच्छा मतलब सीनिक ब्यूटी यहाँ पे मौजूद है। तो यहाँ तक जो भी मेरे को देखने को मिला तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अभी मैं फ़िलहाल उनके घर में हूँ और आज रात को हम लोग यहाँ पर स्टे करेंगे। कल मॉर्निंग को निकलेंगे यहाँ से, अच्छे जगह पर घूमेंगे और आप लोगों के साथ इस जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। तो टिल देन हम लोग के साथ बनो रहो और मिलते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रॉम साउथ सिक्किम। और यस्टरडे नाइट को मैंने जैसे बोला था कि यहाँ के होस्ट और जहाँ पे मैं रुका हुआ उस जगह के बारे में बताऊँगा। और ये जो जगह है कितना प्यारा दिख रहा है, आप लोग मॉर्निंग के वाइब्स में देख सकते हो। अभी मॉर्निंग अराउंड 7:30 का टाइम हो रहा है और टाइम आ गया है आप लोगों को इस घर के होस्ट और मेरे जो ऑफिस के कलीग हैं उनसे मिलवाने का। और चलिए मिलते हैं। तो ये है हमारे पिंकी मैडम जो हमारे ऑफिस के कलीग हैं और इनके घर में ही मैं अभी आया हूँ। हेलो मैडम। हाय, मैं अभी पानी पी रही हूँ। हाँ। गर्म पानी। मेरा हस्बैंड है। यस, ये है इनके हस्बैंड पाजे। हाँ। जिनके साथ ही कल हम लोग आए थे यहाँ पे और अभी हम लोग मॉर्निंग में बाहर बैठे हैं। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, क्या बनाने का कोशिश कर रहे हैं सर? नहीं, जस्ट पानी उबाल रहे हैं। पानी उबाल रहे हैं। ये एक्सपर्ट है, मतलब आग जलाने में एक्सपर्ट है, यहीं से एक्सपर्ट हो गया। ये है मेरा घर और आप लोग हैं मेरे साथ, पिंकी शर्मा के साथ। अब मैं आपको यहाँ पर सभी दिखाऊंगी, मेरा घर कैसा है, यहाँ पर जगह कैसा है, सभी बताऊंगी। ओके, फॉलो मी। ये हमारा बड़ा घर है, लेकिन बड़ा तो ये है, लेकिन बड़ा घर ये है, उम्र में बड़ा ये है, ये छोटा है। तो ये हमारा यहाँ पर भैया और भाभी का रूम है जो कायरा बैठते हैं यहाँ पर। हेलो कमिंग। और उसके बाद यहाँ पर हम लोग सोए थे और इसके बाद इधर हमारा मंदिर है, ठीक है। और ये रहा, ये जो आ रही है ना वो है हमारा आज का जो शादी हो रहा है ना उनका माता है, अभी तक रेडी नहीं हुआ है। फिर माता पिता को फोन न किया। अब ये रहा हमारा घर, लाइट जलाते हैं। यहाँ पर मम्मी का रूम है जो सुबह सुबह उठ के क्या खा रही है, देखिए सुबह सुबह उठ के रोटी खा रही है, टीवी देखती रहती है। और यहाँ पर साकिब सोया था, सर सोया था। साकिब को देखो 90 degrees वो है, 36 हो गया इसको, ऐसे ऐसे घूम के घूम। और ये रहा हमारा किचन, छोटा सा है लेकिन प्यारा सा है, हम लोग प्यार से खाना बनाते हैं और खाते हैं, ठीक है। ऊपर जाते हैं। ये मेरा छोटा चाचा का घर है, ये बड़ा चाचा का घर है, उसके बाद वो जो दिख रहा है ना उस पर शादी हो रहा है, वहीं पर है शादी आज। कहाँ पे? वो वाला जहाँ पर लगाया हुआ है ना बलून। हाँ, वही है यार। और ये हमारा छोटा छोटा मतलब खेत है, यहाँ पर सब्जी उगाते हैं हम लोग। आगे जाएंगे सर।
और उसके बाद यही है हमारा। आज फॉगी डे है, सनी डे होते ना तो यहाँ से सनराइज बहुत खूबसूरत दिखता था, लेकिन आज फॉगी डे है तो कल हो गया, तो कल देखेंगे। उसके बाद जैसे हमने बोला था कि हम लोग तारेबीर, राइट पाल जी, तारेबीर जाने के लिए निकल चुके हैं। अभी टाइम हो रहा है 8:28 और जंगल के बीचों से होते हुए ट्रैक करते हुए, इधर वाला ऊपर वाला, हाँ, जंगल के बीच से ट्रैक करते हुए अभी हम लोग तारेबीर जा रहे हैं। और वहाँ जाने के बाद आप लोगों को वहाँ का नज़ारा दिखाएंगे। फिलहाल चढ़ते हुए हम लोग पूरा का पूरा ढलान है और ट्रेल काफ़ी अच्छा और मज़ेदार है, तो बने रहिए हम लोगों के साथ तारेबीर तक। कैसा लग रहा है हाँ पालचेर, अपना फीडबैक दो भाई। मैंने ना हाँ वॉकिंग स्टार्ट किया था ना, उसी की वजह से ऐसा हो रहा है। और दूसरी बात, डाइट पे कंट्रोल नहीं है ना। डाइट में कंट्रोल, ऐसे ट्रेल्स के लिए डाइट में कंट्रोल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। यस, ऑयली फूड अवॉइड नहीं करता, जंक फूड खा दीजिए। ये देखिए जंगल का जो ट्रेल है बहुत ही घना है, यहाँ पे बियर भी रहता। यहाँ पे वो रहता है ना रेड पेंडा, रेड पेंडा सिक्किम का फेमस जानवर है। यहाँ पर वो भी तो होते हैं डियर। एक्चुअल में जिस तारेबीर के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, वो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का मिनी वर्जन है, राइट। छोटा सा ऐसे दिखता है, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, एक तरफ खाई है और एक तरफ जंगल है। बहुत सारे टूरिस्ट लोग यहाँ पे आते हैं, लेकिन बहुत कोई को नहीं मालूम, ये जगह कोई लोग स्किप करके चले जाते हैं। तो अभी हम लोग तारेबीर को पिंकी मैडम के घर से होते हुए हम लोग ऊपर चढ़े हैं ना, और अगर हम लोग भाई रोड आते हैं तो हम लोग डायरेक्ट ऊपर पहुंच जाएंगे। yes. हम लोग एकदम पूरा शॉर्टकट रास्ते से जंगल के बीचों से होते हुए अभी पहुंच गए। अरे अरे वाह, ओ ऊपर हम काफी नीचे आ पहुंचे। नीचे बादल, बाबू का सांस फूल गया है और हमारे जो गाइड हैं मिस्टर पालचेन, उनका हालत एकदम मस्त है। लेकिन यहाँ पे पहुँचने के बाद जो मज़ा आ रहा है उसको डिनाई नहीं कर सकते ना। ओहो, चलिए मैं आप लोगों को यहाँ का नज़ारा दिखाता हूँ। Wish all the hashtags, likes and tweets will find a way to get lost. Yeah, and when I pull up to the scene, I wonder what the hell is the cost. And yeah, वाला जो ट्रेल हम लोग पहले गए थे वो ट्रेल रॉ ट्रेल था ना, और ये वाला जो ट्रेल है जो अभी हम लोग इसको ट्रैक करते हुए पूरा ऊपर तक जा रहे हैं, ये टूरिस्ट लोगों के लिए खोला गया ट्रेल है। और इसमें भी आप ऊपर से आओगे, हाँ इसमें भी आप ऊपर से आओगे तो अच्छा व्यू आएगा, मज़ा आएगा। टूरिस्ट लोगों के लिए ज़्यादातर अभी ये खुल गया है, राइट। अभी खुला हुआ है, थोड़े बहुत टूरिस्ट लोग आ रहे हैं, लेकिन जितना आना चाहिए उतना नहीं आ रहे हैं। और एक फैसिलिटी भी है ना, हाँ वो क्या बोलते हैं उसे, रिजॉर्ट जैसा है, रिजॉर्ट जैसा है। हाँ
वो अगर खुल गया तो बहुत ज्यादा व्यू आ जाएगा, मतलब लोग आएंगे, व्यूअर्स आएंगे। खुला भी मस्त लगता है, मतलब आप उड़ रहे लग रहे हैं। आप सबको पता है यस्टरडे नाइट को हम लोग यहाँ पे आए थे साउथ सिक्किम में, रात को हम लोग अपने कलीग के घर में स्टे किया, मॉर्निंग को अभी ट्रैक करते हुए यहाँ तक पहुँच गए हैं। जिस जगह पे हम लोग पहुँचने वाले थे, इस जगह का नाम है तारेबीर, जो कि है साउथ सिक्किम में। और ये जो जगह है दिखने में ऐसा लगता है फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू में छोटा सा ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जैसा, लेकिन लगभग उसको कंपेयर करके आप वो मतलब कंपेयर करने से ऐसा पता नहीं चलेगा कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जैसा दिखता है, लेकिन बहुत ही अच्छा एक व्यू है। जो यहाँ से खड़े होकर जो पॉइंट ऑफ व्यू दिखता है वो मुझे नहीं लगता कि कैमरे से मैं आपको जस्टिस करके दिखा पाऊँगा, लेकिन फिर भी जो चीज़ मैं फील कर रहा हूँ उस चीज़ के वाइब को मैं आप तक पहुँचाने का पूरा कोशिश करूँगा। ये जो व्यू है, जो लैंडस्केप है, एक साइड से पूरा ग्रीनरी है और एक साइड से पूरा सूखा हुआ घास है। ये जो लैंडस्केप है, लैंडस्केप दिखने में इतना अच्छा और अमेजिंग दिख रहा है कि मतलब ट्रैक करते हुए यहाँ तक आने में जितना भी थकावट हुआ था वो पूरा का पूरा निकल गया था। लास्ट टाइम जब मैंने आइजोल रिएक्ट लैंग पे टॉप पे ट्रैक करके गया था, सेम वैसा ही फीलिंग है, लेकिन उस जगह का फील और इस जगह के फील में बहुत ही डिफरेंस है। वहाँ का फील अलग है, यहाँ का फील अलग है। वहाँ पे इस तरीके का फॉग मेरे को देखने को नहीं मिला था, वहाँ का मॉइस्चर वेदर में ज़्यादा था, लेकिन ये हाँ यहाँ का जो वेदर है बहुत ही फॉगी है और मतलब एक अच्छा सा सुकून वाला फील आता है, प्योर ऑक्सीजन, मतलब फुल ऑफ वाइब्स, अमेजिंग व्यू। रिएक्ट लैंग के टॉप की तरह दिखता है लेकिन पूरा का पूरा ऑपोजिट और डिफरेंट है। मतलब यहाँ के वाइब्स के बारे में बता बता के मैं थक जाऊँगा, लेकिन आप लोगों को मैं पूरा का पूरा ज़रूर ट्राई करूँगा यहाँ के वाइब्स को दिखाते हुए। अमेजिंग व्यू को एंजॉय करने के बाद मैं पलचिन और साकिब निकल चले अपने घर की ओर। वहाँ जाके रेस्ट करेंगे और रेस्ट के बाद हम लोगों को एक मैरिज सेरेमनी को अटेंड करना था। तो नेक्स्ट वीडियो के पार्ट में हम लोग कवर करेंगे, हम लोग यहाँ से नामची जाएंगे, नामची से वापस आके एक मैरिज सेरेमनी को अटेंड करेंगे, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था। तो बने रहिए हम लोगों के साथ हमारे वीडियोस को कंटिन्यू देखते हुए, और भी बहुत सारे सीरीज़ आने वाले हैं। तब तक के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। Wish all the hashtags, likes and tweets will find a way to get lost. Yeah, and when I pull up to the scene, I wonder what the hell is the cost?